नमस्कार, मैं अन्नपूर्णा विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं जी टीवी न्यूज। शॉर्ट सर्किट से मकान में लगी आग, बाल बाल बचे दंपति। मेडिकल थाना क्षेत्र में आज शाम शॉर्ट सर्किट के चलते एक मकान में भीषण आग लग गई। क्षेत्रवासियों ने जैसे तैसे मकान में फंसे बुजुर्ग दंपति को घर से बाहर निकाला। फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने घंटों मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। हादसे में जहां लाखों के नुकसान की बात बताई जा रही है, वही घटना को लेकर क्षेत्र में काफी देर तक अफरा तफरी मची रही। पीसे मेरठ से कृपाल सुरानिया की एक खास रिपोर्ट। मेरा नाम राकेश शर्मा है। किस तरीके से आ रही है ये यहाँ पे मकान में? क्या कहते हैं, दोनों मियाबी भी रहती हैं, दोनों ही सेवानिवृत्त हैं। तो उनकी मिसेज क्या कहते हैं चाय बनाने गई थी, तो उन्हें अंदर से क्या कहते हैं थोड़ी सी चिंगारी की आवाज़ आई और क्या कहते हैं वो धुआं निकलने लगा। वो दौड़ के आई, उन्होंने हल्ला कर दिया और हम सब लोग इकट्ठे हो गए। हमने 112 नंबर पर टेलीफोन करा, तो उसके आध घंटे बाद क्या कहते हैं वो पानी बुझाने की गाड़ी आई। हम लोगों ने, मोहल्ले वालों ने बड़ी मेहनत करके सिलेंडर बाहर निकाल लिए थे, जो कोई बड़ा हादसा होने से बच गया। कितने का नुकसान है? इनका नुकसान, क्या कहते हैं, मंदिर की सारी मूर्तियाँ वगैरह थी, क्या कहते हैं, और कपड़े वगैरह इनके जल गए हैं। बाकी वो अभी इस स्थिति में नहीं है कि कुछ बता सके। दोनों ही बुजुर्ग हैं, बेचारा परेशान से। सर, एक मकान में आग लगी है, क्या है? ये शास्त्री नगर में L-676 नाम का मकान था, जिसमें जिसके ओनर थे अमीर चंद। इनके मकान में घरेलू सामान में आग लग गई थी और जिसको फायर सर्विस ने पूरी तरह से इस समय बुझा लिया गया। आग लगने का कारण आग लगने का कारण संभवतः शॉर्ट सर्किट ही प्रतीत हो रहा है। कितनी फायर ब्रिगेड गाड़ी लगी? अभी एक गाड़ी आई हुई है और उसी से ही पूरी तरह से कंट्रोल में कर लिया गया है।